देश में एक तरफ जहां गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल किया हुआ है, वहीं दूसरी ओर असम में बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। असम के 27 जिलों में 6 लाख से ज्यादा लोग प्री मानसून बारिश के कारण आई बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। खबर है कि सिर्फ असम में आसमानी आफत से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि 48,000 से अधिक लोगों को 248 राहत शिविरों में ट्रांसफर किया जा चुका है। असम के होजई और कछार सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिलों में शामिल हैं। प्रत्येक जिले में 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। सेना ने होजई जिले में फंसे 2,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू करके बचाया है। आपको बता दें कि दक्षिणी असम में दीमा हसाओ जिला पिछले 5 दिन से कटा हुआ है। बारिश के कारण हुए भूस्खलन ने यहाँ दीमा हसाओ से सड़कें और रेल संपर्क काट दिया है। असम में बाढ़ का कहर ऐसा है कि बराक घाटी के साथ साथ त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के महत्वपूर्ण हिस्सों के लिए सड़क और रेल संपर्क टूट चुका है। असम सरकार मरने वालों में से प्रत्येक के परिवारों को 4 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। पिछले 2 दिनों से पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश हो रही है। गुवाहाटी में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में पूरे क्षेत्र में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पिछले साल बिहार में मानसून पूर्व बारिश ने कहर मचाया था और इस साल मानसून पूर्व बारिश ने असम में कोहराम मचाया हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है, जबकि NDRF और सेना दिन रात राहत कार्यों में जुटे हैं। असम के बाद आपको केरल की तस्वीरें दिखाते हैं। केरल को लेकर मौसम विभाग का अनुमान एकदम सटीक साबित हुआ। अलर्ट के मुताबिक केरल के कोची सहित दूसरे जिलों में बादल जमकर गरजे और झमाझम बारिश हुई। केरल में मूसलाधार बारिश के चलते IMD ने 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। प्रशासन ने भी लोगों से जब तक आपात स्थिति ना हो तब तक पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा नहीं करने के लिए कहा है। साथ ही बारिश कम होने तक रात की यात्रा से बचने की सलाह भी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून जल्दी दस्तक देगा और इसके 27 मई तक केरल पहुंचने की संभावना है। केरल में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। इस कारण राज्य के कुछ हिस्सों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। साफ है प्री मानसून बारिश लोगों के लिए आफत और राहत दोनों लेकर आई है।